ये राहुल गांधी की विजय यात्रा है और ये विजय यात्रा इतनी लंबी चलेगी, इन सभी मुद्दों पे हरियाणा का चुनाव होगा, हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। कितना असर पड़ेगा इस रथ यात्रा के? ये देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो हम लोगों के लिए वो जननायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा देश को खराब करके रखा है माहौल, पूरा हिंदू मुस्लिम। मैदान में उतरी है विनेश फोगाट भी, अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हरियाणा पे इतना जोर क्यों है? उसमें जनता उन्हें पूरा समर्थन देगी और ये एक बहुत ही हिट यात्रा साबित होगी। पहली बात तो राहुल गांधी की रथ यात्रा नहीं है, ये हरियाणा का विजय यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के किसानों को एक आतंकवादी का टैग दिया, देशद्रोही का टैग दिया, उनके मन में जो हताशा और निराशा पीड़ा बसी है उसको क्या नरेंद्र मोदी निकाल पाएंगे? नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी को जो पहचान मिली है वो भारत जोड़ो यात्रा से मिली। पूरे देश भर में राहुल गांधी के चर्चे होने लगे, भले मीडिया, गोदी मीडिया ने कितने छुपाने की कोशिश की, लेकिन पूरे देश में राहुल गांधी को, देश में नहीं बल्कि विदेश में भी राहुल गांधी को एक नई पहचान मिली। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव में एक बार फिर से रथ यात्रा का ऐलान किया है और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाला है, क्योंकि हरियाणा चुनाव है और उससे पहले उन्होंने जिस तरह से कमान संभाली है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों रथ यात्रा करेंगे, इसका कितना असर पड़ेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा से सुपड़ा साफ करने की ठान ली है, उसे पूरा करके ही राहुल गांधी मानेंगे, लोगों के बीच और जान लेते हैं। क्योंकि रैली जो वो रथ यात्रा निकालेंगे वो 30 सितंबर से 3 तक के चलेगा, उसके बाद तो खैर चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो कैसे देख रहे हैं ये रथ यात्रा कितनी कामयाब होगी, जिस तरह से पिछली उन्होंने यात्राएं निकाली भारत जोड़ो यात्रा से उनको एक पहचान मिली, ये रथ यात्रा का कितना असर पड़ेगा? देखिए सबसे पहले बता दें कि ये रथ यात्रा नहीं है, ये राहुल गांधी की विजय यात्रा है और ये विजय यात्रा इतनी लंबी चलेगी कि आने वाले चुनाव में इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। आप देख लीजिए जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में चली, उसका साफ असर 2024 के चुनाव में देखने को मिला। मुख्य मुद्दे छात्रों से, नौजवानों से, महिलाओं से और पुरुषों से और वृद्धाओं से, जितने भी जुड़े हुए मुद्दे थे, लगातार उस भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने लगातार उसको चलाया और जिस प्रकार से चलाया उसका गहरा असर जमीनी तौर पर, चाहे गांव में देख लीजिए चाहे शहरों में देख लीजिए, जमीनी तौर पर हर व्यक्ति के दिमाग में पड़ा है और ये जान रहे हैं कि मौजूदा सरकार सिर्फ जनता का दमन करने पर लगी हुई है। आप शिक्षा का देख लीजिए, बजट पास हुआ, शिक्षा का बजट गिरा दिया गया, 6% से सीधा 3% कर दिया गया, क्या बात है, आप किस प्रकार की आप अराजकता फैला रहे हैं देश में। तो ये जाहिर सी बात है कि हरियाणा का जो चुनाव है वो मुद्दों पे होगा और मुद्दे यही हैं कि बेरोजगारी है देश में, महंगाई देश में है, उत्पीड़न है, महिला उत्पीड़न है, इन सभी मुद्दों पे हरियाणा का चुनाव होगा, हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी और ये विजय यात्रा इतनी गहरी अस्तित्व मिलेगा कि आने वाला इतिहास इसको रच देगा। कितना असर पड़ेगा इस रथ यात्रा का, और ख़ासकर वो युवाओं, नौजवानों को साधने की भी बात कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी भी एक तरफ उतरी है, 2 सिलेंडरों की बात कर रही है कि 2 सिलेंडर देंगे, कैसे देख रहे हैं? दोनों जो राजनीतिक पार्टियां हैं पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक बार फिर से रथ यात्रा का जो ऐलान किया है, कैसे देख रहे हैं? जी देखिए राहुल जी, सबसे पहले तो हम लोगों के लिए वो जननायक हैं, उनका वो जो टैग मिला वो जननायक का मिला हुआ है और राहुल गांधी एक आदमी है जो इस प्रेजेंट टाइम में सब सुधारने की कोशिश कर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरा देश को ख़राब करके रखा है माहौल, पूरा हिंदू मुस्लिम, वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। वो प्रेजेंट टाइम में है कि छात्रों के साथ, किसानों के साथ और जितने लोग का अत्याचार हुआ है उन सब का हिसाब लेने के लिए आए, उन सबको सही करने के लिए आए और जिस तरह से हरियाणा में 10 साल से सरकार भाजपा की रही और उन्होंने जितना अत्याचार किसानों पे किया, अभी आप देख लीजिए सिंधु बॉर्डर प्रोसीज है, किसानों के रास्ते पे किल गाड़ी गए, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया, तो उन्हीं सब का हिसाब लेने के लिए अब राहुल गांधी जी खुद अपने मैदान पर उतरे हैं और राहुल गांधी जी बहुत ही भारी मतों से जीतने जा रहे हैं हरियाणा चुनाव। विनेश फोगाट को भी हरियाणा चुनाव में उतारा है, मैदान में उतरी है विनेश फोगाट भी, अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, हरियाणा पे इतना जोर क्यों है कांग्रेस का? हरियाणा देखिए, हरियाणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है देश के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कृषि होती है और भारत जो है एक कृषकों का देश कहा गया है, भारत कृषि प्रधान देश है, भारत में लगभग 70% जो जनसंख्या है वो गाँवों में निवास करते हैं, हरियाणा जो है वो गाँवों का राज्य है एक, ठीक है, तो और गांव के लोग वहां पे मतलब उन लोगों से ज़्यादा जुड़े होते हैं जो गांव के लोगों की बातें उठाते हैं। विनेश फोगाट जी का नाम लिया आपने, विनेश फोगाट जी एक पहलवान है जो कि हरियाणा के यही गांव से निकली हुई हैं और इस समय वो जुलाना से
प्रत्याशी हैं विधानसभा की, तो विनेश फोगाट जी के साथ, जैसा कि हरियाणा की जनता ने भी और पूरी देश की जनता ने देखा है कि उनके साथ कितना अत्याचार किया गया, वो जब प्रोटेस्ट पे बैठी थी तब उनके साथ पुलिस ने और जो प्रशासन था हरियाणा का या फिर जो दिल्ली का प्रशासन या फिर जो केंद्र की सरकार थी, उन्होंने कितनी ज़्यादा ज़्यादती करी है विनेश फोगाट जी के साथ में। तो पूरी जो जनता है, जितनी भी हरियाणा की जनता है, उसका पूरा सपोर्ट जो है विनेश फोगाट जी के साथ में है, पूरा सपोर्ट कांग्रेस पार्टी के साथ में है, पूरा सपोर्ट राहुल गांधी जी के साथ में है। जो राहुल गांधी जी रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी बात आपने की, उसमें जनता उन्हें पूरा समर्थन देगी और ये एक बहुत ही हिट यात्रा साबित होगी। और जो कांग्रेस की सरकार आने वाली है हरियाणा में, उसके लिए ये पहले से ही बिसात बिछाई जा रही है। ये शुरुआत है कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूती के साथ वापस लौटने जा रही है। 2005 में शायद कांग्रेस वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, अगर मैं सही हूँ, शायद थी वहाँ पे 2005 में, ठीक है। तो वहाँ पे अभी 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, जैसा कि देख वहाँ पे जनता देख रही कि 10 सालों में क्या हुआ है वहाँ की जनता के साथ में। वहाँ पे जब किसान जो हैं आंदोलन करते हैं तो उन्हें कीले बिछा दी जाती हैं रास्ते में, उन्हें दिल्ली घुसने नहीं दिया जाता है। फिर जब वो प्रोटेस्ट करते हैं उन्हें खालिस्तानी बोला जाता है, बीजेपी के नेताओं के द्वारा उन्हें, उन जो औरतें वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी उन्हें कहा जाता है कि 100-100 रुपए लेकर के आई हुई हैं प्रोटेस्ट में, उसका विरोध उन्हें जो भी थी एक बहुत प्रसिद्ध हैं लोक नेत्री या फिर अभिनेत्री हैं एक, हाँ, जो कि नेता बनी है, जो भारतीय जनता पार्टी, उसका फल मतलब परिणाम भी मिला था, उन्होंने जो 100-100 रुपए वाली बात बोली थी महिलाओं के लिए। खैर, मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी की रथ यात्रा वो स्टार्ट होने वाली है, आज ही से स्टार्ट होगी, कल से जो स्टार्ट होगी, फिर कैसे चलेगा, कैसे देख रहे हैं, कैसे जुड़ेंगे लोगों से? ये पहली बात तो राहुल गांधी की रथ यात्रा नहीं है, ये हरियाणा का विजय यात्रा है। जिस हिसाब से पहले लोग राहुल गांधी को सपोर्ट दिए हुए हैं, खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखा होगा, जिस हिसाब से राहुल गांधी को पूरे इंडिया भर के लोगों ने सपोर्ट किया, खासतौर पर दबा कुचला वंचित वर्ग, मीडियम वर्ग के लोग, गरीब लोग, जिस हिसाब से उन्होंने उनकी आवाज़ उठाई, जगह जगह गए, हर वर्ग से उन्होंने बात किया। जो सरकार जातियों में बांटती है बीजेपी लोगों को, जाति और धर्मों में, राहुल जी ने उन्होंने प्रोफेशन के आधार पर लोगों का क्लासिफिकेशन किया और उनसे वो जाके मिल के आए, जैसे कूली वर्ग से जाके वो मिले, फिर वो जाके जो लोग मैकेनिक हैं उनसे जाके मिले, बस वालों से मिले। तो इन्होंने जो जाति की व्यवस्था पे सरकार काम करती थी, वैसे कैंडिडेट खड़ा करती थी, उन पे पॉलिसी बना के वो करती थी जिससे हमारा फ़ायदा हो। राहुल जी ने ऐसा कुछ नहीं किया, राहुल जी ने जो क्लासिफिकेशन किया वो प्रोफेशन के आधार पे किया, जिसकी समस्या होगी उसको सॉल्व करेंगे राहुल जी। सब रैलियाँ करते हैं लेकिन राहुल गांधी ने ये यात्रा क्यों, रथ यात्रा क्यों निकाली, इसके पीछे क्या? देखिए, यात्रा का बहुत बड़ा महत्व होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहते हैं जिस तरह से वो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली वो कामयाब हो इसलिए इसके वजह से तो वो रथ यात्रा नहीं। देखिए, जब रैली आप करते हैं तो आप सिर्फ अपनी बात सुनाते हैं, दूसरे की नहीं सुनते हैं। आप और आपके नेता बस जाते हैं और सब चीज़ों को बोलते हैं, जनता को समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक। लेकिन जब आप यात्रा करते हैं तो आप लोगों से जुड़ते हैं, जमीनी स्थिति से आप वाकिफ होते हैं, लोग अपनी बात रख पाते हैं आपके सामने, तो आपको समझ में आता है कि जिस दिन हम पावर में आएंगे तो हमको किस हिसाब से काम करना है, कैसे क्या करना है, हमको कैसे लोगों के लिए पॉलिसी बनानी है, जो एक समाज का जो आखिरी व्यक्ति आखिरी पायदान पर जो खड़ा है उसको कैसे आगे लाना है, ये सब यात्राओं से साबित होता है। और इस देश में यात्रा बहुत पुराना एक महत्व रहा है यात्राओं का, वही यात्रा राहुल गांधी जी ने की है। और जो आपने कहा ना कि भारत जोड़ो यात्रा सक्सेस हुआ, 100% सक्सेस यात्रा है, क्योंकि जब आप लोगों से कनेक्ट करते हैं तो आपको सक्सेस मिलेगा। वैसे ही अब रथ यात्रा यहाँ निकल रही है ताकि हम स्पेसिफिकली हरियाणा स्टेट के लोगों से हम कनेक्ट कर पाए कि आखिर हरियाणा में क्या समस्या है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के किसानों को एक आतंकवादी का टैग दिया, देशद्रोही का टैग दिया, उनके मन में जो हताशा और निराशा पीड़ा बसी है उसको क्या नरेंद्र मोदी निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसको लेकर राहुल जी मिलेंगे उनसे, चीज़ों को समझेंगे और उनको आश्वासन देंगे कि आपको जो आपका हक अधिकार है वो दिया जाएगा, इसलिए यात्रा महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि हरियाणा इलेक्शन के दौरान आज बीजेपी जाके अपने झूठे झूठे फिर वादे कर रही है, उनको लगता है कि मुख्यमंत्री बदल देंगे तो सरकार बदल देंगे, लेकिन ये लोग दिल्ली से ही अपनी तानाशाही हुकूमत पूरी तरीके से चलाते हैं, ये बात अच्छे से हरियाणा वालों को मालूम है। हरियाणा के ही रेसलर जिनके साथ कितना गलत किया है बीजेपी की सरकार ने, वो मेडल लेके आए, उसके बाद भी आपने उनको लथार मारा, जंतर मंतर से लेके घसीट घसीटते आप जेलों में बंद किए, जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम कर रहा है, उसको आपने क्या किया? जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि वो आपके सांसद पे आरोप लगा, आपने उस सांसद के खिलाफ कुछ नहीं किया, उसके सांसद के बेटे को टिकट देके लड़ा दिया। तो इसी राजनीति जो उन्होंने एक
जो जिनके खिलाफ जिसने पीड़ित किया लोगों को, एक जो द्रोही है उसके बेटे को टिकट दिया बीजेपी ने, अब उन्हीं को जो पीड़ित हुआ उनको कांग्रेस पार्टी मैदान में उतार रही है और करारा जवाब देने जा रहे हैं, वो सारी सीटें वो लोग जीतने जा रहे हैं। जितने बहुत है। बहुत सही बात इन्होंने कही कि रैली जब नेता करते हैं जब अपनी सुनानी होती है, लेकिन जब लोगों की मन की बात सुननी होती है तो इसी तरह लोगों के बीच चलकर पैदल यात्रा निकालनी पड़ती है, रथ यात्रा निकालनी पड़ती है। शायद यही वजह है जो राहुल गांधी एक बार फिर से लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हरियाणा के लोगों के दुख दर्द और उनके मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वजह है जो उन्होंने रथ यात्रा का फैसला लिया है। दोनों बहन भाई पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं। फिलहाल तमाम इसी तरह की अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।